सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम बैक टू अ न्यू एंड फ्रेश वीडियो। गाइस आज भी वीडियो का सेम थीम है। आज वीडियो में हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक लेटेस्ट हेडफोन जिसका नाम है ZinQ टेक्नोलॉजीज Zinc Erupt Hear the Unheard वाला हेडफोन है ये ZinQ टेक्नोलॉजीज के द्वारा। गाइस ये वाला हेडफोन में ना कुछ ऐसे ऐसे फीचर्स है जो देख के आपको मन करेगा कि मैं इसको ख़रीद लूँ। अगर इसको ख़रीदना है तो इसकी बाइंग जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी, जाके आप खरीद सकते हो इसको। और अंडर 1000 वाला प्रोडक्ट है। और पिछले बार मैंने जो वीडियो किया था मैंने उसमें लीफ हेडफोन अनबॉक्सिंग की थी। तो गाइस उसके और इसके कंपैरिजन में कौन बेटर है ये आपको वीडियो में आगे पता चल जाएगा। देखते रहिए वीडियो को क्योंकि आज इसकी फुल अनबॉक्सिंग होगी। आपको पता चलेगा कि क्यों मैं बता रहा हूँ इस हेडफोन की कुछ ऐसे फीचर्स हैं मतलब जो वाकई काबिल तारीफ है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। शो मी व्हाट यू गॉट, 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 शो मी व्हाट यू गॉट। सो गाइस फाइनली मेरे हाथ के सामने है ZinQ टेक्नोलॉजीज के द्वारा ZinQ Erupt Hear the Unheard वाला हेडफोन। गाइस खोलते हैं इसको, देखते हैं क्या लेटेस्ट कंटेंट। पहले ही मैं बोल दूंगा वीडियो को एक लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो क्योंकि अभी मैं इस बॉक्स को खोलने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले मैं एक बात बता दूं, अगर लीफ बेस की पैकिंग देखें और ZinQ टेक्नोलॉजीज का पैकिंग देखें, अगर रिटेलर भी सेम है लेकिन इसकी पैकिंग बहुत ज़्यादा बेहतर है वो लीफ की पैकिंग से। क्योंकि वो थोड़ा जब मैंने वो पैकेट मिला था वो थोड़ा मतलब थोड़ा ऊपर से वो था, लेकिन ये वाला पैकिंग मेरे को ज़्यादा कूल लगा। ठीक है तो गाइस अभी मैं इसको खोलता हूँ। मतलब जब पैकेट खोला मेरे को लगा कैडबरी सेलिब्रेशन दे दिया उसकी तरह। देखो कलर पूरा है और पूरा बुक की तरह खुलता है, वाह। और ये है हेडफोन का पहला सेक्शन जहाँ पे आपको मिलेगा ये हेडफोन। और ये क्या है, ये है USB, ये माइक्रो USB A to B केबल, इसको चार्ज करने के लिए है। बाकी और क्या क्या मिलता है इसमें। और ये है 3.5 mm जैक मेल टू मेल कॉर्ड, अगर चार्ज ख़त्म हो जाए तो इसको सुन ले के लिए। फिलहाल अब हेडफोन को निकालते हैं और सही है काबिले तारीफ़ है हेडफोन। ओ मतलब ठीक है, इसको साइड करते हैं क्योंकि इसकी दूसरी सेक्शन को देखते हैं और इसकी दूसरी सेक्शन में क्या है मैं आपको बताता हूँ। इसकी दूसरी सेक्शन एक नीचे एक सेक्शन है और वाह गाइस वाह, ये क्या है कपड़ा। गाइस ये बहुत ही अच्छा चीज़ है मैं बोलूँगा इसको, मतलब रखने के लिए कैरी करने के लिए एक छोटा सा बैग टाइप का कुछ दिया है। ये देखिए इसको अंदर डाल लो और ये सही है यार, सही है गाइस मैं बोलूँगा बहुत ज़्यादा सही है। ये मैं आपको बाद में दिखाऊँगा लेकिन देख लेते हैं और क्या क्या मिलता है ZinQ टेक्नोलॉजीज के द्वारा। एक यूज़र गाइड, यूज़र मैनुअल, छोटा सा ये तो खाली लग रहा है। अच्छा हाँ हाँ ये रहा, आप क्लियरली देख सकते हो बहुत कुछ इसमें कुछ फीचर्स भी मेंशन किए गए हैं यहाँ पे। फिलहाल इसको रखते हैं। फिलहाल यहाँ पे ये क्या चीज़ है, अनहैप्पी है, अच्छा हैप्पी अनहैप्पी, क्या आपका रेटिंग है ये आप बता सकते हैं। गाइस मैंने अभी लाइट ऑफ कर दी है क्योंकि ये देखो ये है ZinQ, क्लियर नहीं आ रहा है लेकिन वो लाइट का इफेक्ट है तो क्लियर नहीं आ रहा है देखो। लेकिन यहाँ पे ZinQ लिखा हुआ है, आपको अगर थोड़ा मैं क्लोजली दिखाऊं तो थोड़ा आ सकता है। ये देखो ZinQ टेक्नोलॉजीज का लाइट, तो ये इफेक्ट जब आप मतलब अंधेरे में होंगे, सोचो आप इसको मतलब पहन के थोड़ा स्टाइल वाइल मार सकते हो, मतलब क्या ही लाइट चेंजिंग इफेक्ट्स है। आगे बताता हूँ इसके और कुछ स्पेसिफिकेशंस में। गाइस पहले ही मैं इसके कुछ स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। यहाँ पे आप इसको चार्ज कर सकते हो और यहाँ पे आप वॉल्यूम डाउन, यहाँ पे वॉल्यूम अप, यहाँ पे जैसे मतलब अगर आपको लाइट की ज़रूरत है तो यहाँ से आप लाइट ऑन कर सकते हो थोड़ा बेटर फीलिंग के लिए, यहाँ से आप लाइट ऑन कर सकते हो। और यहाँ पे है कॉल रिसीव बटन, मतलब हैंड्स फ्री कॉलिंग मिलती है आपको। और इसको मैंने ऑफ़ कर दिया है क्या, लगता तो ऐसा है। तो गाइस पहले मैं इसको ऑन कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखो ऑन होते ही यहाँ पे आपको लाइटिंग का थोड़ा इफेक्ट मिल जाएगा पहले ही, अब आपको थोड़ा क्लियर आ रहा होगा ZinQ टेक्नोलॉजीज़ का। फिलहाल यहाँ पे लाइट चेंजिंग इफेक्ट्स है और आपको बंद करना है तो M ये दबाते ही देखो लाइट ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। लेकिन ऑन यहाँ पे, तो अगर सुबह है तो सुबह की मतलब सुबह लाइट की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर रात को आप हों तो मतलब कितना सोचो कितना मज़ा आएगा आपको इसको। मतलब ये देखो थोड़ा कॉम्पैक्टिबिलिटी है, मतलब थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी है, ड्यूरेबिलिटी भी है इसमें है। मेरे को तो भाई बहुत पसंद आया हेडफोन। बोट अगर लीव से हम इसको कंपेयर करें तो मैं बोलूँगा काफ़ी अच्छा हेडफोन है। सेम रेट में मैं बोलूँगा पैकिंग इसकी इतनी अच्छी है। और मतलब अगर हेड की बात करूँ तो इसको खोलने से फिट होता है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे ईयरपैड्स दिए हुए हैं। ऊपर यहाँ पे देखो प्लास्टिक है सिंपल, और नीचे यहाँ पे थोड़ा सा कुशन लाइक कुशन टाइप का दिया हुआ है, कोई बात नहीं। लेकिन मैं बोलूँगा सही है पूरा का पूरा एकदम,
लेकिन अगर बोट में देखेंगे, बोट के जो रॉक्स वाले हेडफोन है, एक में मैंने देखा था कि ये जो जो खोलने का होता है ना, ये स्टील का होता है, जो मेरे पास अभी भी है, लेकिन वो बहुत पुराना हो चुका है, हाल ही एक साल का पुराना हो चुका है। तो ये हेडफोन आपको कैसा लगा आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताओ। और यहाँ पर चार्ज वार्ज कर सकते हो, 10 आवर्स की बैटरी बैकअप दिया हुआ है इसमें। और मैं बताता हूँ, ये देखो पूरा मैं ख़त्म कर देता हूँ अभी। ये जो पैकेट है, मतलब जो दिया हुआ है इसमें, ये देखो फोल्डिंग, मतलब स्पेस सेविंग डिज़ाइन है। तो आप इसको इस तरह से हेडफोन में डाल देता हूँ, इस पर बैग में, तो पाउच में इसको डालो। और अगर आपको ये कॉर्ड भी डालना है, अगर कभी प्रॉब्लम हुई चार्जिंग की, तो डाल दो। और डालने के बाद ये इसको लो, अपने बैग में डाल लो। तो ये एक बहुत ही अच्छा फीचर, मतलब बैग दिया गया है इसमें, मतलब बहुत सही है। बोट में, मतलब अगर हम लीफ की बात करें तो लीफ में कोई बैग नहीं दिया था इसमें। यहाँ पे एक और मैं बात करूँ तो ये लाइलॉन का बैग है, लेकिन बैग दिया गया है ये बहुत ही अच्छा चीज़ सोच के दिया है कंपनी ने। तो गाइस मेरे को तो ये हेडफोन मतलब वैल्यू ऑफ मनी लगा, और काफ़ी सही हेडफोन लगा। अगर रात में आप जा रहे हो डीजे की तरह नाच नाच के एकदम लाइटिंग इफेक्ट दे देके, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा गाइस। तो गाइस मैंने आपको हेडफोन की स्पेसिफिकेशन बता दी, सारी कंटेंट बता दी, कैसा है ये हेडफोन सब आपको बता दिया क्लियरली। तो गाइस बस यही थी बातें इस हेडफोन के बारे में। गाइस अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, एक लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और ऑल बटन पे क्लिक करना बेल आइकन को प्रेस करके। गाइस इसकी इतनी अच्छी हेडफोन, मेरे को तो भाई बहुत मज़ा आया इसको यूज़ करेंगे। तो यूज़ किया मैंने तो इसकी ट्रेबल अच्छा है, इसकी बेस अच्छी है, तो काफ़ी क्वालिटेटिव है। और लीफ से तो मैं बोलूँगा सेम प्राइस में बहुत अच्छी हेडफोन है। तो गाइस सेम चीज़, लाइक शेयर सब्सक्राइब, मिलूँगा आपको नए वीडियो में किसी नए फ्रेश व्लॉग या फिर किसी नए अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, विदाई और जय हिंद।